आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय एनी सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल इफ द सेंटर लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट। ठीक है, तो देखिए हमें बोला है कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी सर्कल बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए सर्कल में एक कॉन्सेप्ट होता है, हमें पता है कि देखिए अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस पे दो लाइन जो है अगर इक्वल इंटरसेप्ट काट रही हैं इस तरह से, और एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ बोलूँ तो अगर ये इंटरसेप्ट का मतलब कितना, ये वाला लेंथ। ठीक है, अगर हम बोलें ए बी एंड ये आ गया मेरे पास सी डी। ठीक है, और देखिए हमारे पास इसी कंडीशन है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो देखिए कंसेप्ट क्या क्या बोलता है कि देखिए अगर हम सेंटर से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, तो देखिए इसको अगर डी वन बोलें डी टू बोलें, तो देखिए अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है तो डी वन इज इक्वल्स टू डी टू होगा। ठीक है, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट काटने वाली लाइन इक्वल डिस्टेंस पे होती है सेंटर से, ये है कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाई सर्कल और बाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इक्वल, यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, देखिए एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू जीरो, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक लाइन को हम y इज इक्वल्स टू जीरो मान लेंगे, एक लाइन को हम x इज इक्वल्स टू जीरो मान लेंगे, और सेंटर का लोकस निकालना है तो इसके हम h कॉमा k मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो देखिए हमें पता है कि अगर हमें एक्स वन वाई वन का डिस्टेंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो इस लाइन से निकालना होता है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको बोलूँ सी और इसको मैं बोलूँ कि एम और एन, ठीक है, तो देखिए d1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एम, डी वन डिस्टेंस क्या है सी एम डिस्टेंस, और सी एम क्या है एच कॉमा के और y इज इक्वल्स टू जीरो के बीच का डिस्टेंस, तो देखिए d1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास लाइन क्या है y इज इक्वल्स टू जीरो, सो देखिए y इसमें पॉइंट क्या पुट करना है एच कॉमा के। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ऊपर देखिए बस आएगा k आएगा, क्योंकि देखिए अगर हम हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या है वाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो वाई के बदले बस के आ जाएगा और नीचे आ जाएगा रूट वन, ये आ गया डी वन। ठीक है, और देखिए डी टू हो जाएगा सी एन के बराबर, और डी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा एच अपॉन रूट वन, क्यों, क्योंकि इसका लाइन का इक्वेशन क्या है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और पॉइंट है एच कॉमा के। ठीक है, तो बस एच एक्स कोऑर्डिनेट पुट होगा यहाँ पे, तो देखिए दोनों डिस्टेंस आ गए। अब देखिए हमारे पास क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट इक्वल है, तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा कि सिंस इंटरसेप्ट्स आर इक्वल डी वन इज इक्वल्स टू डी टू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा मॉड के इज इक्वल्स टू मॉड एच। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एच, तो दो सॉल्यूशन आएंगे मुझे, और दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, देखें यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल्स टू एच और ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू माइनस एच, सो k माइनस एच इक्वल्स टू जीरो एंड k प्लस एच इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए अभी हमारे पास अगर लोकस निकालना होता है तो h को x से रिप्रेजेंट करते हैं और k को y से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेते हैं, और समझ लीजिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन दी होगी L1 इज इक्वल्स टू जीरो एंड L2 इज इक्वल्स टू जीरो, तो इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन क्या होता है कि L1 इज इक्वल्स टू जीरो, यानी दोनों लाइन की इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कंबाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो विच इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और इस पूरे चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन,
तो अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।